बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। पिछले दो दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के चलते जिले में बह रही रावी नदी के साथ बहने वाले नालों का जलस्तर बढ़ गया, जो कि चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में रावी नदी का बढ़ता हुआ पानी किसी के जानमाल को हानि ना पहुंचाए, इसलिए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर घोषणा कर दी। बारिश और ग्लेशियर पिघलने से पानी लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रावी नदी के आसपास रहने वाले लोग चौकस रहें और रावी नदी के तट पर ना जाएं। बताते चलें कि पिछले वर्ष अगस्त माह के दिनों में रावी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि सरकारी और गैर सरकारी करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ लोगों की कीमती जानें भी इस आई जबरदस्त बाढ़ में चली गई थी। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने अब रावी नदी का बढ़ रहा जलस्तर, वह भी दो महीने पहले, ये किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन ने अभी से ही लोगों को सतर्क रहने के आदेश जारी कर दिए। चंबा में जो बारिश भी बढ़ गई है और साथ ही जल का स्तर भी बढ़ रहा है जैसे जैसे गर्मी आ रही है, और इसमें सभी लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया करके नदी के पास ना जाएं। जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, वो अलार्म सिस्टम है, वो NHPC को निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस से भी सतर्कता के लिए कहा जा रहा है, परंतु सब लोग एक बात ध्यान रखें कि जिस टाइम्स पे पानी बढ़ता है, कोशिश करें या फिर नॉर्मल टाइम पे भी रावी नदी के पास ना जाएं। पहले भी काफ़ी जगह लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि किसी की भी जान को इससे खतरा हो, तो कृपया करके मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया करके रावी नदी के पास ना जाएं। जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं सभी विभागों को दे दी गई। उज्ज्वल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।